बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी से वाबस्ता तमाम अफराद को एक बार फिर अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं आपको नहायत ही मसर्रत से ये चीज़ अपडेट करना चाह रहा हूँ कि कल हमारी कमिश्नर रावलपिंडी से और DGRDA से कमिश्नर साहब के ऑफिस में मुलाकात हुई, और इस मुलाकात का वाहिद एजेंडा जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जो नोटिफिकेशन आया है कि विद इन 60 to 75 days ऑल हाउसिंग स्कीम्स आर टू बी गिवन अप्रूवल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में, चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक अरसे से रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इंटरेक्शन में है, और 2018 में हमने अपनी पहली प्लानिंग परमिशन अराउंड 427 कैनाल्स दाखिल की थी। फिर उसके बाद सेकंड प्लानिंग परमिशन जो है दैट वाज अराउंड 1543 कैनाल्स, वो हमने दाखिल की, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली लास्ट वीक में हमने 10,918 कैनाल की एक प्लानिंग परमिशन दाखिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ टोटल मिला के कुछ 13,000-14,000 कैनाल इस वक्त वो रकबा है जो मलकियती है मेरे नाम पे और नदीम एजाज साहब के नाम पे, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओनर हैं, पार्टनर हैं, नायत मुअज्जज और मोहतरम हैं, हम दोनों के नाम पे जो रकबा है मलकियती। और RDA का ये तरीकाकार होता है, या तो आप कंपनी के नाम पे प्लानिंग परमिशन दाखिल कर सकते हैं या एज इंडिविजुअल्स आप प्लानिंग परमिशन दाखिल कर सकते हैं। तो हमने इनिशियली जो है ये एज स्पॉन्सर्स ऑफ द स्कीम नदीम एजाज साहब और साद नज़ीर साहब जो है, यानी साद नज़ीर माई सेल्फ, हम इसके एप्लीकेंट थे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और एज स्पॉन्सर्स हमने ये एप्लीकेशन दाखिल की थी, जो कि बिल्कुल एक लीगल प्रोसीजर है, और उसमें जो हमने अपना मलकीती रकबा है जो हम दोनों के नाम पे है वो हमने दाखिल किया है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में अप्रूवल्स की सेक की खातर। तो जो मालकान के नाम रकबा होता है वही कंसिडर किया जाता है फॉर अप्रूवल्स ऑफ हाउसिंग स्कीम, एंड दिस वर्जन कैन बी ईजिली वेरीफाइड फॉर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहाँ पर हमारा इस वक्त 13,000-14,000 के नाल रकबा जो हम दोनों के नाम पे है वो जमा है वहाँ पे अप्रूवल्स की खातर। तो जूं जूं जितना भी हमने प्रोजेक्ट साइज अनाउंस किया हुआ है वो कल को 100,000 कैनाल पे जाता है या 500,000 कैनाल पे जाता है, उसका सिलसिलाकार यही होगा कि जूं जूं पीसेस कॉम्पैक्ट होते जाएंगे वो 10-10, 15-15 हज़ार कैनाल की सूरत में हम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में दाखिल करते जाएंगे, या जैसे कल को अगर हम ये प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग के तहत नेफ्टा को दाखिल करते हैं तो इसी तरह 10 या 15 हज़ार कैनाल का पीस हम कॉम्पैक्ट करके उसकी अपनी मलकियत वहाँ पर दाखिल करेंगे, और फिर उस पर फर्दर प्रोसेसेस होते हैं, फर्दर NOCs होते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह फिर वो NOCs के हसूल के बाद वहाँ से लेआउट अप्रूव करवाएंगे, और उसकी उसी हवाले से जो अप्रूव्ड मैप्स हैं उनके मुताबिक ही हम काम एग्जीक्यूट करेंगे। जो हमारा मौके पे भी काम हो रहा होता है वो उन्हीं बायलॉज को मद्देनज़र रखते हुए हो रहा होता है, जो रोड की विड्थ्स रिक्वायर्ड हैं, जो पार्क्स का एरिया रिक्वायर्ड है, लेट्स से 7% पार्क्स हैं, 2% ग्रेवयार्ड है, 10% आपको कमर्शियल अलाउड होता है, तो उन बायलॉज को मिनिमम रोड की विड्थ 40 फीट अलाउड होती है, तो उन्हीं बायलॉज को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना मास्टर प्लान तरतीब दे रहे हैं, और उसी मास्टर प्लान के मुताबिक और जो हम अप्रूवल्स रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में दाखिल कर रहे हैं उन्हीं बायलॉज को मद्देनज़र रखते हुए और उसी मास्टर प्लान को फॉलो करते हुए हम पीसेज में फेज वाइज रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में दाखिल कर रहे हैं। और यही तरीकाकार होता है, जब भी कोई बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है तो वो फेज वाइज अपनी अप्रूवल्स लेता जाता है, क्योंकि उसमें ज़मीन के मामलात क्लियर करने होते हैं और उसमें रेवेन्यू के इश्यूज होते हैं वो आपने क्लियर करने होते हैं, सर्टन डिपार्टमेंट्स को से आपको बार बार NOCs लेने पड़ते हैं, तो जो आपका ज़मीन कम्पैक्ट होती जाती है उसको आप महकमे में दाखिल करी जाते हैं और उसी पे आप अप्रूवल्स लिए जाते हैं। इस हवाले से हम इस वक्त, मैंने अर्ज़ किया, 13-14 हज़ार के नाल हमारा रकबा RDA में मौजूद है फॉर अप्रूवल्स, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके बाद कोई 10 से 15 हज़ार के नाल का मजीद जो रकबा RDA को देंगे, और इस तरह ये सिलसिलेकार चलता रहेगा। जहाँ तक नेगेटिव प्रोपेगेंडा की बात है तो मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज में जो प्रोपेगेंडा मार्केट में फैलाने की कोशिश की जा रही है उनको कंडेम करता हूँ, उन अफराद को जो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। और चौधरी नदीम एजाज साहब नहायत ही मोहतरम और मेरे बड़े भाई हैं, और उनसे जो हमारा ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद जो उनकी खुश अखलाकी और जो उनकी सच्चाई और उनका खरापन है अल्हम्दुलिल्लाह वो रहा है, वो अपने इलाके के नहायत ही मोहतरम और दरवेश सिफ्त आदमी हैं, पूरा इलाका उनकी तारीफ़ करता है, पूरा इलाका उनके इस इलाके में लाए हुए बिज़नेस से फैज़याब हो रहा है, और उनके लिए दुआगो है उस इलाके में जो डिज़र्विंग लोग हैं, नदीम साहब हमेशा उनके लिए हेल्प करते रहे हैं,
और हमेशा उस इलाके की फलाह में उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है और चक्री का पूरा इलाका नदीम भाई की इस सिफ्त का गवाह है। उनके बारे में कोई भी नेगेटिव गुफ्तगू करना या फैलाने की कोशिश करना, किसी के साथ भी हम हक तलफी का ना इरादा रखते हैं और ना ऐसा कोई इकदाम करते हैं। अलबत्ता जो लैंड एक्विजिशन के हवाले से कल्चरल इनबिल्ट फॉल्ट्स हैं हमारे सिस्टम में, उनका सामना जिस तरह से बाकियों को करना पड़ता है हमें भी करना पड़ता है, तो उसका कतन भी ये मकसद नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता किसी की ज़मीन पर काबज़ होते हैं। हमने अल्लाह पाक को जान देनी है और रोज़े मैशर अपने परफॉर्म किए हुए अमाल पर जवाब दें होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हतुल वसा, मेरी भी और ख़ुसूसन नदीम साहब की यही कोशिश होती है कि किसी का हक ना मारा जाए, वो भले परचेजिंग में हो या भले कल को डिलीवरी के एस्पेक्ट से हम उस चीज़ को देख रहे हों। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ़ एक छोटे से ग्रुप की एक हरकत है जिनकी हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन पे लिटिगेशन चल रही है। ऐसी 200-400 किनाल का एक मसला जिसकी वो पार्टी पूरी पेमेंट भी कोर्ट के थ्रू ले चुके हुए हैं, लेकिन जैसे बंदा जो है वो कह लें कि जब ज़मीन सस्ती बेच बैठे तो बाद में उसके 100 किस्म के ख्यालात आते हैं, इसी तरह के वो ख्यालात का शिकार हैं। अल्लाह उन्हें भी हदायत दे और हमें भी हदायत पर रखे। तो इसमें किसी को कोई अल्हम्दुलिल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी अपनी जगह पर मौजूद है और हज़ारों किनाल पे मुहीत है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो फ़कीदुल मिसाल होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान की पहचान बनेगी, ये हम बारहा कह रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो इंशाल्लाह हम आपसे बहुत जल्द शेयर करेंगे, एंड दोज़ डेवलपमेंट्स वुड अमेज़ यू इंशाल्लाह, एंड आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा कि आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे लिए दुआ गो रहे हैं। बहुत किसी को परेशानी है, आप हमारी बातों पे ना जाएं, आप अल्लाह पाक से मशवरा करें, 2 नफल पढ़ें इस्तखारे के, और फिर भी किसी को कोई परेशानी हो तो वो हमसे आके डिस्कस कर सकते हैं। हमारे दरवाज़े तमाम भाइयों के लिए, तमाम अफराद के लिए खुले हैं और हमारा प्रोजेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मौके पर मौजूद है और आप सब के लिए खुद ही मुँह बोलता सबूत है। नदीम भाई की, नईम साहब की अनथक मेहनत है, ये जो ज़मीन का इतना बड़ा पीस है अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए वहाँ हासिल कर चुके हैं, और फिर उसके साथ साथ बाकी सारी टीम जिसमें सरफराज गोंदल साहब सर फहरिस्त हैं, फिर अरशद अवान साहब हैं, फिर मेरे छोटे भाई बुरैर नज़ीर साहब हैं, हमज़ा आमिर साहब हैं, फिर उसके बाद साकिब राजा साहब हैं, और डीलर्स में एक लंबी लिस्ट है जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह सब हमें ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, रकबे की कैफियत से भी जानते हैं, उनका इलाके के लोगों से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं और इस मुल्क की फलाह के लिए, इसे इस्लाम का किला बनाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो कल को एक रिवाइवल अल्लाह पाक ने इस खित्ते के लिए लिखा हुआ है, वो चाहे फाइनेंशियल हो या चाहे आइडियोलॉजिकल हो चाहे इस्लामिक हो, हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू बीवी बच्चे सब कुछ उसके लिए कुर्बान, और इंशाल्लाह हम हक पे खड़े रहने वालों में से हैं, और ये हमेशा से रहा है जी, जहाँ हुसैन रहे हैं वहाँ यजीद भी रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें हुसैनियों में से बनाए, अल्लाह पाक हमें हक पे खड़े होने वालों में से बनाए, अल्लाह पाक हमें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करने वालों में से बनाए। तो हमारा सब कुछ इस प्रोजेक्ट के लिए और अल्लाह पाक की रज़ा की खातर, इस मुल्क की फलाह के लिए, और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक के दीन की खातर हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू, जैसे मैंने कहा सब कुछ हाजिर है। तो लिहाजा कोई भी ये ना सोचे कि इसमें कोई और तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा, और हमारे लिए बस दुआ हो रहे हैं, ईमान की मौत की दुआ करें, और इस तरह की र्यूमर्स को आप लोग अपने तौर पे खुद निगेट किया करें।